हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि कवर करने वाला है मेरा आरजीपीवी एग्ज़ाम्स, गेट, ईएससी, एसएससी, जेई, इसरो इत्यादि एग्ज़ाम्स के सिलेबस को। इसके साथ साथ इसमें आरजीपीवी एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट शामिल हैं वो सभी हैं जो हम 4 सालों में पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ये सिलेबस को अच्छे से देखना, इसे से कैटेगराइज कर कर हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स को बांट दिया जाता है और पढ़ाया जाता है, और इन्हीं सब्जेक्ट्स को मिलाकर ही सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि टेक्निकल से संबंधित होते हैं। सो आइए देखते हैं कि कैसे सिलेबस को बांटा गया है। सबसे पहले है इसमें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना? पहला डिजाइन है, दूसरा थर्मल है और तीसरा है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें से जो डिजाइन पार्ट में हमारा आता है, मुख्य रूप से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है, थ्योरी ऑफ मशीन आती है, एंड मशीन डिजाइन आता है। और इसके अंदर ही मशीन डिजाइन के अंदर मेरे 3 पार्ट हैं, एक काइनेमेटिक ऑफ मशीन है, एक डायनेमिक ऑफ मशीन है, एक वाइब्रेशन है। इन तीनों को थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर रखा गया है, ठीक है ना? इसके बाद हम देखते हैं थर्मल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। थर्मल के अंदर मेरा मुख्य रूप से आता है थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन एंड पावर प्लांट, ठीक है ना? इन सभी को एक एक सब्जेक्ट करके हर सेमेस्टर में दे दिया गया है, ठीक है? और इसके बाद मेरा लास्ट में आता है मटेरियल साइंस, जो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। मटेरियल साइंस देखते हैं हम, ठीक है ना? कास्टिंग देखते हैं, वेल्डिंग देखते हैं, मेटल कटिंग एंड मेट्रोलॉजी, इन सभी को हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर देखते हैं। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का अपना अलग सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना? और इन सभी का यूज पार्टिकुलर आरजीपीवी सिलेबस में किया गया है। सभी सब्जेक्ट ही आरजीपीवी के सिलेबस के हैं, और इन्हीं सब्जेक्ट्स मिलाकर ही इन सभी एग्जाम्स का सिलेबस बनाया जाता है। सो इस एग्जाम के पैटर्न को ध्यान रखें, और इनमें से हर सब्जेक्ट्स को जो है सेमेस्टर में बांटकर ही डिवाइड कर दिया जाता है, और उसे इन्हीं 4 सालों में पूरा किया जाता है, ठीक है? थैंक यू।